नमस्कार, मैं गुजरात नरस कोसी केंद्र से आया हूँ अंकित भाई। आज आपके खेत में समझ लो के प्रांची गोल्डी 333 हमारे देखने आए हैं। तो समझ लो के आज 90 दिन कंटिन्यू बारिश होती थी, फिर भी आज आपका फील्ड देख के मैं हैरान हो गया हूँ। आज समझ लो के 90 से लेके 100 तक टिंडे है और बगल का खेत भी मैं देख रहा हूँ तो उसमें कुछ नहीं। तो आपको ये वेरायटी कैसी लगी प्रांची गोल्डी 333? ये वैरायटी भी दमदार है, जो नीचे से इसकी क्षमता है बोन लगने की वो भी मुझे पसंद आया। फिर भी ये देखिए आप, इसकी सीरीजें कैसे बनती है, इसके आसपास जो टिंडे लगते हैं पास पास 2 इंच का भी अंतर नहीं है इसके बीच में, फिर भी इतने टिंडे लग चुके हैं। ठीक है आज, और टिंडे की साइज भी बड़ी है, ऐसा नहीं है। टिंडा भी जब खुलेगा तो चुनने में भी आसानी होगी सबको। ठीक है, और ये बगल का खेत में देख रहा हूँ, आपका भी खेत देख रहा हूँ। हाँ। समझ लो कि अभी आपका फील्ड पे हम खड़े हैं और हाइट भी अच्छी खासी हो गई है, आज एक नंबर आपका फील्ड दिख रहा है। तो बगल का खेत भी मैं देख रहा हूँ बराबर। तो बगल का खेत जो किसानों, मैं आपको बताऊ, कोई ऐसा नहीं है कि नरस कृषि केंद्र आपको धोखे में रखेगा। आज समझ लो कि अंकित भाई के साथ में यहाँ हो तो जो आपको बगल का खेत दिखा रहा हो, यही मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, तो आप देख लो बगल में क्या है। ये बगल में इसके साथ लगी हुई वैरायटी है, वो XYZ कंपनी की, आप देख लो जो आपको देखने को मिलेगा। आज दिनांक क्या है? 11 अक्टूबर है। 11 अक्टूबर के दिनांक में हम आपको दिखा रहे हैं जो ये बगल का खेत है, जिसमें कुछ भी नहीं, कहीं पे भी टिंडा नहीं लग रहा है, और जहां पे ये प्रांची गोल्ड 333 का फील्ड है, तो वहां पे जो ये प्रांची गोल्ड 333 का फील्ड है, तो देखो आज किसानों को ऐसा नहीं कोई एक दो पौधा दिखाएंगे, आज पूरा फील्ड दिखा रहा हूँ कि अगल बगल का खेत और यही फील्ड। तो आपको यकीन होगा ना कि आज नरस कृषि केंद्र जो किसानों को देते हैं, बताते हैं, कोई गलत तो होता नहीं है। समझ लो दोनों खेत के बीच की आपको दूरी दिखाए, और एक खेत में देखो तो कितने भारी मात्रा में टिंडे बन चुके हैं, और यहाँ पे काफी सारे लोग अभी देखते हैं भी, तो लोग बोलते हैं कि नहीं वाकई में ये दमदार वैरायटी है। और ये बगल का खेत है जहाँ पे अंकित भाई आप सामने से चले जाओ तो लोगों को पता चले कि ये कपड़े में है, वरना लोग मानेंगे कि ये गलत है। ये देखो ये बगल का खेत है, इसके साथ ही लगा हुआ है, तो उसमें कितनी क्या हाइट है? 3 फीट हाइट नहीं, कुछ भी नहीं, पूरा कोकड़ा गया है। वो XYZ कंपनी की है वेरायटी, XYZ कंपनी की ये वैरायटी है। और उसके सामने देखो ये प्रांची गोल्डी 333, आज समझ लो नीचे से लेके ऊपर तक टिंडे बन चुके हैं, और ये वैरायटी एकदम दमदार है। अब हम जा रहे हैं खेत के 20-20, ये वैरायटी जो आप देख रहे हैं उस खेत के 20-20 जा रहे, तो आपको पता चलेगा नहीं वाकई में कोई एक दो पौधा नहीं है। और नरस कृषि केंद्र जो वैरायटी देते है, तो वैरायटी के बारे में भी आपको पता चलेगा नहीं कि है दम। देखो नीचे से लेके ऊपर तक टिंडे बन गए हैं, कोई ऐसा नहीं कि। और बगल का खेत भी आपको दिखाया तो आपको यकीन आता है ना, बाकी तो लोग बोलेंगे कि ये तो गलत है, इसलिए तो आपको दोनों खेत की डिफरेंट दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लोगों को यही बात सीखने को मिलती है, नरस कृषि केंद्र में जो है वो रियल है, कोई बना बनाया नहीं है। ये आप देख सकते हो पूरा फील्ड, जो आपको यहाँ सामने से आऊ तो भी आपको पता चल जाएगा कि समझ लो कि ये पूरा फील्ड जो आपको मैं ऊपर कैमरा करके भी दिखा सकता हूँ, देख लो। और उसके बगल के खेत के ओर भी मैं कैमरा घुमा रहा हूँ तो वो भी आपको देखने को मिलेगा ना, कि ऐसा नहीं है क्योंकि कोई एक दो पौधा हम दिखा रहे हैं, ये दोनों खेत की डिफरेंट अभी दिखा रहा हूँ। जहाँ पे प्रांची गोल्डी लगी है और उसके बगल के खेत में कोई XYZ कंपनी की लगी है, दोनों वेरायटी के आप देख लो, दोनों साथ में लगी तो आपको पता चलता है कि नहीं वाकई में ये प्रांची गोल्डी 333 एक नंबर है। आज के समझ लो कि 11 अक्टूबर की ये वीडियो है, 11 अक्टूबर जो आप पहली बार देख रहे हो, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन करो और लाइक करो। और जो किसानों को ये बीज चाहिए तो हमारा कॉन्टेक्ट करे। प्रांची गोल्डी 333 नाम ये ही याद रखना है, प्रांची गोल्डी 333।